हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अनुन्मीली परागणी पुष्प अर्थात क्रिस्टोगैमस पर बात करेंगे, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न सीधे देखने को मिल जाता है। इसके सारे के सारे पॉइंट मैंने यहां पर नोट डाउन किए हुए हैं, किंतु इनको समझने से पहले ये छोटा सा डायग्राम क्लियर कर लीजिए, आपको सारे पॉइंट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने एक पुष्प बनाया हुआ है और पुष्प में जो ये है ये वर्तिकाग्र है। क्या है? ये वर्तिकाग्र है। और इसके बाद ये जो हमारा है ये पुंकेसर है और ये जो संरचना है ये पराग कोष को बता रही है। और पराग कोष में क्या बनते हैं? परागकण। ये देखो परागकण है और ये परागकण वर्तिकाग्र पे आके गिर रहे हैं, ऐसा आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर नीचे से क्या हो गया? नीचे से ये वर्तिकाग्र हो गया ना, और ऊपर से क्या है? ऊपर से ये पराग कोष है। क्या है? पराग कोष। तो ये है तुम्हारा पराग कोष, ये है वर्तिकाग्र। तो ये पुष्प जो हो गया एक तरीके से कैसा हो गया? बंद हो गया। पुष्प कैसा हो गया? बंद हो गया। तो वही पॉइंट लिखा है, ये पुष्प सदैव बंद रहते हैं। कैसे होते हैं? बंद रहते हैं। दूसरा, जब पुष्प बंद रहता है तो क्या कभी खिलेगा? कभी वो पुष्प खिल ही नहीं सकता है ना। तो ये पुष्प कभी भी नहीं खिलते हैं, ये भी एक पॉइंट बन जाता है। तीसरा पॉइंट, अब जब यहां पर ये तुम्हारा हो गया पराग कोष, क्या हो गया? पराग कोष। और नीचे क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा वर्तिकाग्र। क्या हो गया? वर्तिकाग्र। तो पराग कोष से क्या होता है? पराग कोष से पराग कर ऑटोमेटिक किस पे गिरते हैं? वर्तिकाग्र पर। तो जब एक ही पुष्प के पराग कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, एक ही पुष्प के पराग कोष के पराग कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, है ना, तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? स्वपरागण। तो इसमें सदैव स्वपरागण होता है। कौन परागण होता है? स्वपरागण होता है। अब दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि यहां पर परागकण बन रहे हैं और यहां पर परागकण गिर रहे हैं, कोई परागकण को ले नहीं जा रहा है, ऑटोमेटिक परागकण बनते हैं वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो जब परागकण को कोई ले ना जाए, है ना, तो यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर किसी भी प्रकार के परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परागकण को ले ही नहीं जाता है। परागणकर्ता कौन होता है? परागणकर्ता वो होता है जो पराग कोष से परागकणों को लेकर के वर्तिकाग्र पर जाए। तो यहां पर कोई ले जाने और लाने वाला कोई काम है ही नहीं, है ना। तो यही बात है, परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर ये क्या आपका वर्तिकाग्र है और ये क्या है? पराग कोष। देखो दोनों एक दूसरे के पास है, दोनों एक दूसरे के पास है ना, वही लिखा है यहाँ पे। देखिए ये है पराग कोष, ये है वर्तिकाग्र, दोनों एक दूसरे के पास है ना, तो वही लिखा है वर्तिकाग्र और पराग कोष पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। और एक पॉइंट आपको और आना चाहिए, ये पुष्प रंगहीन अर्थात कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन किसी प्रकार कोई खुशबू नहीं पाई जाती है, और मकरंद रहित होते हैं अर्थात इसमें कोई मकरंद भी देखने को नहीं मिलता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कनकौआ या फिर कुमिलना भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार आपको अनुन्मीली परागणी पुष्प क्या है, क्रिस्टोगैमस क्या है, क्लियर हो गया होगा। यदि आप इतना अच्छे से समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो 101% आपका एग्जाम बहुत बेहतर रहेगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।